हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आपकी जो स्टोरी है ये तो आप ना बैकग्राउंड देख करके ये सोचेंगे कि ये स्टोरी क्या है, ये तो कुछ अलग ही सीन है। तो सीन है, उसके पीछे प्रॉब्लम है, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जो सेकंड बुक है उसी की हम एक स्टोरी लेके चल रहे हैं। और बुक जो है आपकी कौन सी है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइप ऑफ सर्जरी। तो ये ट्राइप ऑफ सर्जरी ये क्या है? ट्राइप मीन्स वैसे तो होता है विक्ट्री, जीत, विजय, और सर्जरी मीन्स होता है शल्य चिकित्सा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इसको यदि हम इसका वर्बल मीनिंग लेते हैं तो उसे छोड़ करके हम यहाँ इसका एक सुटेबल सा टाइटल निकालते हैं हिंदी में, और वो क्या है? सर्जरी का कमाल। दैट मीन्स शल्य चिकित्सा का कमाल। ये कैसे होता है, शल्य चिकित्सा कैसे कमाल कर सकती है, स्टोरी में इसका क्या रोल होता है, आइए इसे समझते हैं और जानते हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टोरी दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज रिगार्डिंग पेट एनिमल्स इन द सेंस, इन दिस स्टोरी देयर इज अ डॉग और द नेम ऑफ द डॉग इट इज ट्रिकी। इस स्टोरी में एक डॉगी की कहानी है, उसका नाम क्या है? ट्रिकी। उसकी जो ओनर है वो कौन है? मिसेज पेम्फ्रे ट्रिकी की ओनर है, और वो ट्रिकी को ना बहुत लाइक करती है। वैसे तो सभी अपने पेरेंट्स को बहुत लाइक करते हैं, यहाँ ट्रिकी मिसेज पेम्फ्रे भी ट्रिकी को बहुत लाइक करती है। अब होता क्या है कि ट्रिकी को जब वो ज़्यादा लाड़ प्यार करती है तो कुछ खाने खेलने के लिए ज़्यादा ही दे देती है। धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका जो वेट है ना वो ओवर हो जाता है। जब वेट ओवर हो जाता है इट मीन्स ट्रिकी गेट्स फैटी हो जाता है, सॉसी हो जाता है, और वो ऐसा हो जाता है जैसे कि मानो मांस का एक लबादा हो पड़ा रहता हो। उसके मुंह से उसकी टंग बाहर निकलती रहती है और उसमें से पानी निकलता रहता है, वाटर उसके माउथ से निकलता है, तो माउथ वाटरिंग होने लगती है। वो किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बस वो पड़ा रहता है। जब वो पड़ा रहता है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, इसे देख करके मिसेस पेम्फ्रे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। मिसेस पेम्फ्रे के एक फैमिली डॉक्टर हैं, वो कौन है? मिस्टर हैरियट। एक बार उनकी विजिट हुई थी तो उन्होंने मिसेस पेम्फ्रे को ये वार्निंग भी दी थी कि आप इसको खाने में ना कुछ ज़्यादा ना दिया करें, और मेनली तो इसको स्वीट तो बिल्कुल ना दिया करें, और इसको आप लोग चॉकलेट वगैरह भी ना दें। दैट मीन्स इसकी जो डाइट है उसे आप कंट्रोल करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पेम्फ्रे अपने ट्रिकी को देखती है कि वो कमज़ोर होता जा रहा है तो उसकी और डाइट बढ़ा देती है। जब और डाइट बढ़ा देती है तो फाइनली उसकी पोजीशन वहाँ पहुँच जाती है कि अब वो हिलने डुलने लायक भी नहीं रहता है। होता क्या है, वही होता है जब कोई परेशान होता है तो हमें डॉक्टर की याद आती है। वहाँ भी मिसेस पेम्फ्रे अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करती है और बुलाती है। डॉक्टर को ये पहले ही पता था, क्योंकि वो जो डॉक्टर था वेटनरी डॉक्टर था, और उसको ये पहले ही पता था कि ट्रिकी को कोई आने वाले समय में परेशानी आने वाली है। जब डॉक्टर वहाँ जाते हैं उसकी कंडीशन देख करके वो कहते हैं कि देखिए आपके ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज की आवश्यकता है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मिसेज पेम्फ्रे से सुन करके एक साथ दंग सी रह जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन होना क्या था, फाइनली उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा दैट मीन्स ट्रिकी को डॉक्टर अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके आते हैं। डॉक्टर की काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, और उस गाड़ी में जब जो मिसेज पेम्फ्रे उसके जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उस ट्रिकी का जो भी सामान होता है फटाफट से उठाते हैं फेंकते हैं, और गाड़ी को काफ़ी बड़ी गाड़ी थी लेकिन उसको भी वो भर देते हैं। कभी कोई ब्लैंकेट लाता है, कभी कोई कुशन लाता है, कभी उसके टॉयज लाता है, और फाइनली कोई उसको बॉल लेकर के आता है, जो खाने पीने के बर्तन हैं पॉट्स हैं, और दैट मीन्स उसकी के जो कपड़े हैं पहनने के हैं, ओढ़ने के हैं, सोने के हैं, बेड वगैरह जो भी है वो सब फटाफट से अपने इंतजाम करती है और उसमें रखती है। डॉक्टर हैरियट उस ट्रिकी को जैसे ही वहाँ से लेकर के गाड़ी अपनी निकलते हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं और उसे जाकर के अपने वहाँ हॉस्पिटल में उतारते हैं। जैसे ही वो ग्राउंड पर आता है और अदर डॉग्स जो वहाँ होते हैं वो आके फटाफट से उसके चारों तरफ घूमते हैं और उसको स्मेल करते हैं, लेकिन जो ट्रिकी है उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, वो उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पाते, कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब जो हमारे डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं ट्रिकी को, हाँ यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जहाँ डॉग को रखा जाता है उसके लिए वनवर्स सब्स्टिट्यूशन में एक नेम होता है, आप लोग कमेंट में उसे भेजें कि जो डॉग्स होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है। अब मैं यहाँ आपको यही बता के चलूँगा कि वो उस डॉग को एक बॉक्स में, एक कमरे में, एक छोटे से उसमें रख देते हैं और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते। सुबह शाम तक कुछ उसे खाने को नहीं मिलता है। अब उसे थोड़ा थोड़ा सा होश होने लगता है। ट्रिकी
अब थोड़ा बाहर निकलता है, इधर उधर हिलता है, मूव करता है, और दो तीन दिन बाद जब उसको डाइट उसकी प्रॉपर हो जाती है, दैट मीन्स उसका जो फैट है वो कम होने लगता है, उसके अंदर से जो लेजीनेस है वो निकलने लगती है, और फाइनली होता क्या है कि अब ट्रिकी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, इधर उधर घूमना शुरू करता है। और यहाँ मिसेज पेम्परे बहुत वरीड हो जाती है और वो सोचती है ट्रिकी कैसे रह रहा होगा। वो उसके खाने पीने का इंतजाम करती है, एग्स, ब्रांडी, वाइन, ये सभी चीज़ वो डॉक्टर के पास और भेजना शुरू कर देती है। ये सभी चीज़ वो जाती है, डॉक्टर लेता है और अपने स्टाफ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो क्या ब्रेकफास्ट, क्या लंच, क्या डिनर, सब में उनकी बड़ी अच्छी मौज आती है, बड़े आनंद के साथ वो अपना समय पास करते हैं और वहाँ उसे लेते हैं। कुछ दिन बाद जब समय आता है, समय नज़दीक आता है, जैसे समय नज़दीक आता है डॉक्टर मिसेज पेम्परे को कॉल करते हैं, क्योंकि अब ट्रिकी बिल्कुल फिट हो चुका था और ट्रिकी अब जंपिंग, बार्किंग, ये सभी चीज़, रेसिंग, ये करने लगा था। मिसेज पेम्परे वहाँ आती है, आकर के जब ट्रिकी को देखती है, जैसे ही मिसेज पेम्परे की गाड़ी आती है, ट्रिकी आकर के वहाँ दौड़ करके मिसेज पेम्परे के पास आता है और कहों कहों उन्हें हग नहीं करता है। बस आते ही एक साथ वो चारों तरफ से उनके घूम जाता है, और वो क्या करता है, क्यों अब काफ़ी एक्टिव हो चुका था, तो वो हग भी करता है, वो बार्क भी करता है, वो जंप भी करता है, वो अपनी टेल को भी मूव करता है जैसे कि डॉगी करते हैं। अब उसे देख करके मिसेज पेम्परे बिल्कुल खुश हो जाती है, और मिसेज पेम्परे जब खुश हो जाती है, वहाँ से जब वो चलने के लिए होती है, अब वो डॉक्टर को धन्यवाद देती है। तो धन्यवाद कैसे देती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपका, यही से जो टाइटल है वो यहीं से लिया गया है, जो आपका टाइटल है वो अब आता है जब चलते समय वो कहती है कि ये तो क्या है, अब टाइटल आता है। मिसेस पेम्परे कहती है कि दिस इज ट्राइप ऑफ सर्जरी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। उसके अलावा ये आप ध्यान से सुने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के मैं बहुत जल्दी आता हूँ। तब तक के लिए आप इसको सुनने के बाद एक बार अपनी स्टोरी को गो थ्रू करें, मुझे पूरा फेथ है कि अब आप लोगों को आपकी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।